प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में सावरडेरी की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई का पलटवार, बीजेपी सांसदों ने किया सोनिया गांधी के साथ खराब व्यवहार। बीजेपी का ममता बनर्जी पर हमला, कहा पैसे का अंबार निकल रहा है, सीएम चुप बैठी हैं। पात्रा चौल जमीन घोटाला मामले में गवाह स्वप्ना पाटकर को मिली धमकी, संजय राउत ईडी के सामने नहीं हुए पेश। मॉर्निंग गुपचल ने तोड़ा रोहित शर्मा का वर्ल्ड रिकॉर्ड, टी20 में रचा इतिहास। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं प्राइम उत्तर प्रदेश की। लखनऊ में बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने महामहिम राष्ट्रपति को कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी की तरफ से आपत्तिजनक टिप्पणी करने का बयान दिया है। दरअसल लोकसभा में चल रही कार्यवाही के दौरान कांग्रेस नेता ने आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिस पर राकेश त्रिपाठी ने पलटवार किया है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। महामहिम राष्ट्रपति जी के विरुद्ध दिया गया कांग्रेस पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी का यह बयान जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण है। जानबूझकर के एक वनवासी क्षेत्र से निकल करके, सामान्य गरीब परिवार से निकल करके, एक महिला जो देश के सर्वोच्च पद तक पहुंची है और कांग्रेस की इच्छा के विपरीत पहुंची है, इस वजह से कांग्रेस पार्टी की यह कुंठा आज सार्वजनिक तौर पर दिखाई पड़ी है। लेकिन यह कांग्रेस का अपराध, देश उसको माफ नहीं करेगा, इसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को। अलीगढ़ के थाना बन्ना देवी क्षेत्र के बीमा नगर के राधा शरण ने शिक्षा विभाग में नौकरी लगवाने के नाम पर 15 लाख की ठगी करने का आरोप लगाया है। पीड़ित ने कई बार इसका सूचना पुलिस को दी, लेकिन सुनवाई ना होने पर पीड़ित ने एसएसपी कार्यालय पर शिकायत की है। मेरा भैया राधा शरण, मैं आया हूँ मेरे बेटे की नौकरी लगाने के बहाने 15 लाख की ठगी हुई थी 15/12/2021 में। मेरे बेटे को किडनैप तरीके से बंद करके रखा था सिकोवाल में आनंद और अमिता सिंह और मीनाक्षी, संजू व सरोज, इन लोगों ने। एक आदमी उसके पास हर समय बैठा रहता था और उसको डराया धमकाया जाता था हथियार दिखा के, और उससे 15 लाख की ठगी करने के बाद जब वहाँ 15/12/21 में एसटीएफ ने छापा मारा तो वो लोग वहाँ से, मेरा बेटा जो है बच के भागा, और उसके फर्जी डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लिए, स्टेटमेंट भी लगा रखे हैं। हरदोई में मुख्य विकास अधिकारी आकांक्षा राणा ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायक समूह के माध्यम से निर्मित कराए जा रहे टीएचआर प्लांट का आकस्मिक निरीक्षण किया। टीएचआर प्लांट में पोषाहार, आटा, बेसन, अलवा, दलिया, मूंग दाल, खिचड़ी एवं ऊर्जायुक्त हलवे का निर्माण किया जाएगा, जिसकी आपूर्ति बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग को दी जाएगी। जनपद हरदोई में 8 हमने स्थल चिन्हित किए हैं टीएचआर प्लांट बनाने के लिए, टेक होम राशन बनाने के लिए, और जब ये प्रोडक्ट बनेगा तभी आंगनवाड़ी केंद्रों में जो पुष्टाहार वितरण होता है वो समूह के द्वारा बनाया जाएगा और वितरण किया जाएगा। तो इसके अंतर्गत हमारे जो जनपद हरदोई में 2 जगह सुरसा और टड़ियावा मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया, तो इन दोनों जगह जो मशीनरी है जिसकी कॉस्ट तकरीबन 70 लाख रुपये है, तो वो स्थापित हो गई है, विद्युतीकरण प्रोसेस में है जो 2 दिन में पूरा हो जाएगा। साथ ही साथ वहाँ पर जो महिलाएँ हैं जो वहाँ पर काम करिए, उनके लिए चेंजिंग रूम, जो प्रोडक्ट बनेगा उसके लिए स्टोरेज रूम, ये बनाया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें प्रक्रियाधीन है, तो वहाँ पे जो प्रभारी बीएमएम है उनको बताया गया कि समय के अंतर्गत इन सारे काम को पूरा करा लें। हरदोई में हरपारपुर थाना क्षेत्र के खमहौरा गांव में 6 दिन पहले मारपीट में घायल हुई वृद्धा की देर रात घर में ही मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिजनों ने बताया कि उनके घर में बीते 22 जुलाई को गांव के कुछ दबंगों ने पुरानी रंजिश को लेकर आग लगाते हुए उनकी वृद्ध माँ रामवती को लाठी डंडों से जमकर पीटा था। ये रामवती है खमहौरा गाँव की, और इनकी उम्र करीब 70 वर्ष की थी।
और ये जानकारी में आया है कि इनकी तबीयत भी खराब रहती थी, बीमार थी, और इनके पुत्र शिव कुमार ने अपने गांव के ही 4 लोगों पर आरोप लगाया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई होगी। इसमें और बाकी लोगों से पूछताछ की जा रही है और तथ्य जुटाए जा रहे हैं। खबर बिजनौर से है, जहां हमीरपुर दीप थाना क्षेत्र के एसपी पब्लिक इंटर कॉलेज में टीचर ने एक छात्रा को मैथ्स में ज्यादा नंबर दिलाने के बहाने उससे अश्लील हरकतें की और फोन पर अश्लील बातें भी की, जिसके बाद छात्रा ने पूरी घटना के बारे में परिजनों को बताया और परिजनों ने अध्यापक के खिलाफ थाना हमीरपुर में एक तहरीर दी, जिसके बाद पुलिस ने टीचर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोपी को जेल भेजा। हिमपुर दीपा थाना क्षेत्र अंतर्गत जो है एक स्कूल के अध्यापक नरेंद्र द्वारा जो है ये स्कूल की ही जो है 12वीं की छात्रा को जो ये गणित विषय में फेल हो गई थी, नंबर बढ़ाने के लिए उससे फोन पर अश्लील बातें करते थे एवं छेड़खानी करते थे। इस संबंध में पीड़िता के पिता की तहरीर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है। अभियुक्त को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है। खबर गाजियाबाद से है, जहां साहिबाबाद थाना क्षेत्र के पास शांति चौक पर एक चावल से भरा ट्रक पलट गया, जिसकी चपेट में आने से एक कार चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, तो वहीं एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया और आगे की कार्यवाही में जुट गई। ट्रक पलट गई, ट्रक में चावल है, कार में 2 बंदे सवार थे, एक ड्राइवर एक चौकीदार। गाड़ी या तो ट्रक वाले ने शराब पी रखी हो, उसका बैलेंस खराब हो गया और डिवाइडर पर चढ़ के पलट गया। वो एक तो मर गया और एक स्त्री सही है, वो बच गया, हम लोग निकाल दिए कांच फोड़ कर उसे। खबर गोरखपुर से है, जहां गीड़ा थाना क्षेत्र के सेंट जेवियर्स स्कूल भीटी राव सहजनवा की बस पलट गई, जिसमें 25 से 30 बच्चे सवार थे। राहगीरों ने पुलिस को बस पलटने की सूचना दी और बच्चों को बस से बाहर निकाला। राहत की बात यह है कि सभी बच्चे सुरक्षित हैं। पूछताछ हेतु बस ड्राइवर को पुलिस हिरासत में लिया गया है। स्कूल सेंट जेवियर्स पब्लिक स्कूल की एक बस जिसमें लगभग 25 से 30 बच्चे सवार थे, वो थाना गीड़ा क्षेत्र में पलट गई है। सभी बच्चे सुरक्षित हैं, किसी को कोई विशेष चोट नहीं लगी है। सभी अपने गार्जियन के साथ अपने घर चले गए हैं। गाड़ी के ड्राइवर को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है, उससे पूछताछ की जा रही है और ये भी देखा जा रहा है कि गाड़ी की फिटनेस वगैरह और सारी चीज़ें पूर्ण थी कि नहीं। खबर वाराणसी से है, जहां सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जौनपुर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। इसके पहले उन्होंने एसपी से बाहर न निकलने के सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के बयान पर कहा कि मुझे 22 साल हो गए हैं सक्रिय राजनीति में, मुझे और आपको समझना चाहिए कि वो किसके इशारे पर ये आरोप लगा रहे हैं। जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर जी के साथ जब गठबंधन किया, आरोप लगा समाजवादी और गठबंधन पे कि यहाँ पर पैसे लेकर के टिकट दी जाती है, उन्हें अगर बीजेपी के साथ जाना है, बीजेपी के साथ तालमेल है और बीजेपी का काम है डिवाइड एंड रूल। डिवाइड एंड रूल केवल ये नहीं है कि जातियों में बांटना, धर्म में बांटना। मैंने सदन में भी कहा था कि डिवाइड एंड रूल का मतलब ये भी है कि विपक्ष को बांट के रखें, विपक्ष के लोगों को डरा के रखें। एसी क्या है, मैं 22 साल राजनीति हो गई मुझे और 22 साल में आप सब जानते होंगे कि किसके इशारे पे उठा रहे होंगे। मुझे तो लगता है कि उनके अंदर आत्मा किसी और दल की आ गई है और गांव देहात में झाड़ फूक होती है ना, उन्हें झड़वाना फुकवाना पड़ेगा और तभी ठीक होंगे, उससे पहले ठीक नहीं होने वाले।
खबर अलीगढ़ से है, जहां के थाना सिविल लाइन इलाके के जिला मुख्यालय कलेक्ट्रेट पर रोजमर्रा के सामान में जीएसटी लगाए जाने को लेकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया और सरकार विरोधी नारे लगाते हुए जमकर नारेबाजी की। इसी दौरान आप कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन ACM प्रथम मोहम्मद जफर को सौंपा है, जिसमें उन्होंने रोजमर्रा के सामान पर लगाई गई जीएसटी को हटाने की मांग की है। आम आदमी पार्टी ने यहाँ बढ़ती हुई महंगाई को लेकर प्रदर्शन किया है। जो रोजमर्रा की चीजें हैं, दूध दही खाने पीने की चीजें दाल आटा, उस पर जो जीएसटी लगाई गई है उसके विरोध में प्रदर्शन किया है कि ये जो पूंजीपतियों की सरकार है इसे जो है इसको जीएसटी को रोल आउट करना होगा और आम जनता को जो है राहत पहुँचानी होगी। जिलाधिकारी माध्यम के द्वारा हमने राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन दिया है और जो महंगाई की है, जो इन्होंने झूठ बोला है, कर्मियों कथनी में इतना फर्क है, जनता के सामने सब उजागर है। 2014 से लेकर आज तक क्या क्या इन्होंने कहा और क्या किया। गैस के सिलेंडर 380 रुपये थे, आज 1050 रुपये हो गए। पेट्रोल और डीजल के दाम कहाँ पहुँच गए, 30-30 रुपये बढ़ चुके हैं। जबकि जो महंगाई रोकने की बात कर दे रही, आज महंगाई कंट्रोल नहीं कर पाए हैं। महंगाई कंट्रोल करने के लिए ये ज्ञापन दिया गया है कि महंगाई कंट्रोल करें, और नहीं कंट्रोल कर पाते हैं तो इस्तीफा दे। ये महामहिम राष्ट्रपति महोदय को प्रेषित याचिका है, इसमें जो खाने पीने की वस्तुएं हैं, दैनिक उपभोग की वस्तुएं हैं, उस पर जो GST की दर बढ़ा दी गई उसके संबंध में है आम आदमी पार्टी का यह ज्ञापन। खबर गाजीपुर से है, जहां भावरकोल थाने का लूट का आरोपी विशाल बिंद अचानक गले में तख्ती लटकाकर पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में पहुंच गया। वांछित अपराधी के इस तरह पहुंचने से पुलिस कर्मियों में अफरा तफरी मच गई। आनंद फानन में पुलिस कर्मियों ने उसे गिरफ्तार कर लिया। वहीं पुलिस अधीक्षक ने बताया कि युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। लूट का अपराधी था, वो आज पुलिस ऑफिस में आके उसने आत्मसमर्पण किया है। विधिक कार्रवाई जो है वो न प्रॉपर तरीके से की जा रही है। उम्र उसने अपनी लगभग 19 साल न बताई है। इसमें और सघनता पूर्वक जो है वो पूछताछ इंटरोगेशन जो है वो किया जाएगा। किस मामले में सर वांछित था ये? देखिए, ये लूट के मामले में एक वांछित था, थाना भावरकोल का ये मामला था और उसमें वांछित था, इसको ढूंढा जा रहा था। उसने आज पुलिस ऑफिस में आके आत्मसमर्पण किया। खबर कानपुर से है, जहां बारिश का सीजन शुरू होते ही कानपुर में सांप के काटे हुए मरीजों की संख्या बढ़ रही है। अस्पताल में प्रतिदिन 4 से 5 सांप के काटे हुए मरीज आ रहे हैं। बता दें, अब तक 50 से ऊपर मरीज हैलेट में भर्ती हो चुके हैं। वहीं डॉक्टर्स का कहना है कि समय रहते ASV इंजेक्शन लगाकर मरीजों की जान बचाई जा सकती है। वहीं पे हमारी बहन रहती है, तो उसको सुबह 6 बजे सांप काट लिया था, फिर उसने हाथ में पट्टी बांध कर चीरा लगा लिया। उसके बाद लेकर के यहाँ 8 बजे आया हुआ है, उसमें इलाज चल रहा है। पिछले एक महीने से मरीजों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। सांप काटने वाले मरीजों की संख्या जो हमारे हेलेट इमरजेंसी उसमें भी प्रतिदिन 3 से 4 केस एडमिट हो रहे हैं और वो काफ़ी सीरियस कंडीशन में भी रहते हैं। तो अगर जितनी से जल्दी मरीज हमारे पास आ जाते हैं, हम उसका इलाज शुरू कर देते हैं। जो इलाज की जो मुख्य दवा होती है ASV बोलते हैं हम लोग, एंटी स्नेक वेनम, अगर वो हम मरीज को जितना जल्दी दे देते हैं तो उससे उतने मरीज जल्दी अच्छे होने की उम्मीद चांसेस रहते हैं। खबर अमेठी से है, जहां जिले में नए पुलिस कप्तान के चार्ज संभालने के बाद से ही पुलिस बहुत सक्रिय हो गई है। पुलिस ने 15 दिन में एक ही कोतवाली क्षेत्र में 7 चोरियों का खुलासा कर दिया है और आधा दर्जन शातिर चोर गिरफ्तार कर जेल भेज दिए हैं, जिसको लेकर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इन चोरों के पास दर्जनों अवैध तमंचे, जिंदा कारतूस, 4 मोबाइल फोन सहित कई कीमती सामान भी बरामद हुए हैं। तो वहीं अमेठी कोतवाली पुलिस के इस सराहनीय कार्य से खुश होकर अपर पुलिस अधीक्षक महोदय ने 10,000 नगद पुरस्कार देने की घोषणा की है। ये इंस्पेक्टर अमेठी और उनकी टीम ने लग के बहुत ही मेहनत से ये काम किया है और इसमें कुल 6 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं और 7 चोरियों का खुलासा हुआ है। इसमें एक चोरी का प्रयास भी था जो बैंक ऑफ बड़ौदा में इन्होंने किया था, ट्रेडमार्क। इसमें इनके कब्जे से चोरी गए सामान में एक इन्वर्टर, स्प्लिट टीवी, AC, LED TV, 8,900 रुपये नगद, 4 मोबाइल फोन के साथ साथ काफ़ी मात्रा में चोरी के सामान बरामद हुए हैं।
एक तमंचा और एक जिंदा कारतूस 12 और भी बरामद हुआ है। इनके सब साथ जो मोटरसाइकिल बरामद हुई से चल रहे थे और स्विफ्ट कार बरामद हुई जिसका चोरी में इस्तेमाल करते थे और एक अभियुक्त अभी मोनू यादव फरार है जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास जारी है, इसकी गिरफ्तारी इसकी कर ली जाए। प्राइम उत्तर प्रदेश में फिलहाल तही देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।